जी नमस्कार, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर है छत्तीसगढ़ किसानों से संबंधित खास महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर वर्ष 2023 के लिए खरीफ फसल निर्धारण एवं वर्ष 2022-23 की रबी फसल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों की खेती में परम्परागत खेती से कई गुना ज़्यादा आमदनी होती है। राज्य सरकार इनकी खेती के लिए आकर्षक अनुदान के साथ इस साल से सहकारी बैंक में 0% ब्याज पर ऋण भी मुहैया करा रही है, लिहाजा किसानों को योजना की जानकारी देकर इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस साल खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, गत साल के विपरीत सभी तरह की खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अब तक कुल मांग का 50% भंडारित किया जा चुका है, किसानों को अग्रिम उठाव के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि किसानों की आमदनी तभी बढ़ेगी जब उन्हें खेती के लिए आसान ऋण मिले, इसके लिए हर किसान को केसीसी योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने राज्य के लगभग आधे किसानों को केसीसी सुविधा नहीं मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन को बैंकों के साथ मिलकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, फसल बीमा योजना से जुड़ी खबरें आ रही हैं। खबरें महासमुंद से आ रही है। कलेक्टर नीरज कुमार सिरसागर ने समय सीमा की बैठक लेते हुए कहा कि गर्मी को देखते हुए जिले के सभी गोठानों में मवेशियों के लिए पैरा पानी और छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। आगामी खरीफ फसल में वर्मी कंपोस्ट की मांग अधिक रहेगी। उन्होंने रीपा में चल रही आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि फसल बीमा की राशि वास्तविक पीड़ित किसानों को मिले, यह ध्यान रखा जाए। निरीक्षण परीक्षण में बीमा की राशि में किसी प्रकार की त्रुटि या हेरफेर होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसान भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं हर रोज, तो इस तरह जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि विभिन्न जिलों में भी इसका काम जारी है, पीड़ित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। योजना संबंधित जो कुछ भी जानकारियां मिलेगा चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आने वाले समय पर आप लोगों को मिलता रहेगा। बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अब पूरे सम्मान के साथ होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21,000 रुपये राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा 15,000 रुपये की राशि उपहार भी दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम 6 माह में 3,000 कन्याओं और वार्षिक आधार पर 7,500 कन्याओं की विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रत्येक कन्या को विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8,000 रुपये, इसके साथ ही विवाह के मौके पर वर वधु के कपड़े श्रृंगार सामग्री आदि पर 6,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विवाहित जोड़े को 15,000 रुपये की उपहार सामग्री भी भेंट की जाएगी। आवेदन को लेकर हम बात करें तो योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना अंतर्गत विधवा अनाथ निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। योजना के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी जानकारी ली जा सकती है।